हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और भाई, जिस जिसको नहीं पता था, मैं उन सबको दोबारा बता दूं कि भाई मैं नॉर्थ ट्रिप के लिए आया हूं और आज जो है हम इस स्क्रदू में मौजूद हैं। और अभी जो है सुबह के तकरीबन कोई 8:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग उठे हैं, तैयार रेडी शेडी हुए हैं। यहाँ पर सर्दी भी आज अच्छी खासी है, टेम्परेचर भी तकरीबन 14 या 15 है यहाँ पर। और यहाँ पर व्यू चेक करें यार, यार व्यू चेक करो। मतलब बंदा सुबह सुबह उठे और सामने उठते ही जो है ना अपनी विंडो ओपन करे और सामने ये व्यू मिले, मतलब अलग ही लेवल है। और सुबह 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 सामने से ठंडी ठंडी हवाएं, और मतलब जो है ना आपको पता है ठंड में तो और अलग ही मज़ा आता है। और इसके अलावा यार अभी जो हमें जाना है, आज भी जल्दी निकलना है। आज तक हम लोग ट्रिप पर रोज़ाना हमें तकरीबन रोज़ाना 10-11 घंटे सफ़र करना है और रघोई शाम में 8:30 बजे जो है होटल पहुंचना है। तो जल्दी निकलेंगे, इसलिए जो है ना अभी जाते नीचे सीधा नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर वहीं पर मैं आपको मिलता हूँ। अभी नाश्ता वगैरह हमारा आ गया और नाश्ते में आज है हमारे पास वही एज यूजल, क्या ये चने लाहौरी और पता नहीं कौन कौन से चने, पराठे है, ब्रेड है, हाफ फ्राई है और ऑमलेट है। 3 दिन से एक ही नाश्ता कर करके पक गए हैं। बाकी अभी इसको टेस्ट वगैरह करते हैं क्या है इसमें। तो समझो मजे का नहीं है बिल्कुल भी, कोई मजे का नहीं। नाश्ता वगैरह हमारा जो है डन हो गया है और ये मैंने जैकेट पहन ली है, क्यों है क्या यार यहाँ पर जो है ना ठंडे, तो बगैर जैकेट के गुजारा नहीं हो रहा भाई मेरा, तो लिटरली नहीं हो रहा यार। सुबह सुबह नहाया भी था ठंडे पानी से, लेट उठा था तो गर्म पानी जो है सारा इस्तेमाल हो गया था, गीजर में ठंडा ही था, गर्म नहीं हुआ था, तो मजबूरन उसी से नहाना पड़ा है। अभी जो है बस मैं अपना सामान वगैरह कलेक्ट करके सामान उठाने आया हूँ रूम से, रूम को लॉक करके जाता हूँ सीधा गाड़ी के पास और फिर निकलते हैं जो हमारी आज की जगह है। बल्कि मैं आपको पहले जगह भी बता दूं आज कहाँ कहाँ जाना। हाँ तो भाई आज जो हमें जो जो प्लेसेस जाना है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। आज सबसे पहले हम लोग जाएंगे शिगार वैली और सरफरंगा डिज़र्ट जाएंगे, और उसके बाद जो है हमें हमारी दूसरी जगह जो है शिगार फोर्ट है, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे, ये यार मेरे को नाम नहीं सही से पढ़ने आ रहा, ये मेरे ख्याल से खैरमंग लिखा हुआ है, खैरमंग यार, ये खरमंग वैली है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को कमेंट में सही से बता दीजिएगा क्या है। मेरे को जो समझ आ रहा है वो खरमंग वैली आ रहा है, और फिर उसके बाद जो चौथी जगह है हमारी वो है मंतूखा वाटरफॉल, और फिर उसके बाद वापसी जो है हमारा होटल आना है, फिर यहाँ पर डिनर है और फिर यहीं पर आगे व्लॉग एज यूजुअल एंड होगा। तो अभी मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पर। भाई जान ये चेक करो आप लोग सब, यार सबको छोड़ो, सबसे पहले ये चेक करो, माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त। ये देख रहे हैं आप, ये जो जगह है वो बिल्कुल कोने पे से, वहाँ से बिल्कुल जो है ये आ रहा है वाटरफॉल, यहाँ पर गिर रहा है। और यार इसका ये पानी चेक करो, एकदम बिल्कुल बिल्कुल जो है इसका पानी एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर जो होता है ना वो, और ओहो भाई बिल्कुल ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा, लेकिन जैसे ऐसे नहीं होते बर्फ़ वाला पानी, बिल्कुल वैसा ठंडा पानी है। और जो है ना ठंड वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो है पानी बहुत ज़्यादा यहाँ का ठंडा और एकदम क्लियर क्रिस्टल साफ ग्रीन ग्रीन कलर का, एक ग्रीन ग्रीन जैसा कलर दिख रहा है, पता नहीं पानी का कलर है
या फिर पत्थरों की वजह से, पानी का तो नहीं आ सकता है, लेकिन पत्थरों की वजह से जो है वाइट ग्रीन लग रहा है। यार ये भी जो हम लोग पहुंच गए मंतोखा वाटरफॉल पे, ये हम अपने होटल से निकले थे, वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद गिलगित बल्तिस्तान में है ये मंतोखा वाटरफॉल। और ये यहाँ का जो है सारा व्यू है, हल्की हल्की जो है ना यहाँ पे हल्की हल्की सी जो है ना बारिश भी हो रही है, बिल्कुल लाइट बारिश, मतलब बूंदाबांदी जिसे कहते हैं। और अभी जो है ना ये जगह आप चेक कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये झील बनी हुई है, अभी यहाँ पर मेरा जाने का दिल कर रहा है, मैंने लोगों को देखा ऊपर जा रहे हैं लोग, अभी वहाँ से यहाँ से कोई रास्ता है ये ब्रिज के ऊपर से, यहाँ से इस तरह कोई रास्ता है फिर वहाँ पर ऊपर पहुँचने का, तो मेरा दिल कर रहा है कि देखता हूँ मैं रास्ता वगैरह है या नहीं, देखता हूँ अगर गया जा सका तो पहुँचता हूँ वहाँ पर। यार यहाँ से रास्ता तो है बहुत, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा रास्ता तो है, लेकिन जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत मतलब यहाँ पर चलते हुए जो है ना बहुत फ्लैट है, मतलब इस टाइप जैसे होता है ना इस तरह है, तो यहाँ से स्लिप होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। यहाँ पर अभी कुछ लोग चढ़े हुए तो थे लेकिन मैंने देखा है मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मतलब भाई थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ बिल्कुल जो है ना नीचे ही आना है, वहाँ से सीधा कहीं से भी, मतलब कहीं से भी अगर पाँव स्लिप हुआ डायरेक्ट यहाँ नीचे पत्थरों पर, तो हड्डी वड्डी मुझे नहीं टूटवानी, अपना सर वगैरह मेरे को नहीं फटवाना है, तो मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पर नहीं जा रहे। अभी वहाँ पर वो जहाँ पे वाटरफॉल नीचे आके गिर रहा है उस जगह पर जाके भी देखते हैं वहाँ की क्या सीन है। भाई ये जो वाटरफॉल सामने दिख रहा है मंतोखा वाटरफॉल, यहाँ पर जो है आई एम, यहाँ से ये सारा इसका रास्ता है, ब्रिज है ये सारा, और जो है बहुत जो है ना मतलब इतना हिलने वाला नीचे, क्योंकि कुछ भी नहीं है ऊपर, तारों से बंधा हुआ है, तारों के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हिल रहा है बहुत ज़्यादा। और ये देखें ये वाटरफॉल के बिल्कुल हम करीब हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो है ना वहाँ पर पानी बहुत तेज ऊपर से आ रहा है, तो छींटें उड़ रही हैं और जो ना कपड़े सारे गीले हो रहे हैं, मेरे सारे कपड़े होटल में, और अभी यहाँ से हमें और भी काफ़ी जगहें जाना है आगे 2-3 जगह, तो इसलिए मैंने अभी कपड़े नहीं गीले करने, यहीं पर दूर खड़े होकर मैं जो है देख रहा हूँ, और आप लोग भी यहीं से देख लें। वाकई यार मतलब बहुत अखीर जो होता है ना वो चीज़ है यार, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। लेकिन यार मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, ये देखें आप, ये जो आप देख सकते हैं सारे जो पहाड़ हैं वो ब्राउन ब्राउन जैसे हैं, और ये जो पानी यहाँ से गिर रहा है वहाँ से जो है वो हिस्सा ब्लैक है, मेरे को ये बात नहीं समझ आई, यहाँ तो पानी गिर रहा है ये और साफ होना चाहिए था, ये ब्लैक क्यों है किसी को पता है इसकी वजह तो आप कमेंट में लाजमी बताना। और बाकी वही पानी एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर, एक एक पत्थर हर चीज़ अंदर जो कुछ भी है अंदर सब नज़र आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ से। अभी तो भाई यहाँ पर भी हमारा थोड़ी देर का स्टे था, यहाँ पर भी कम से कम 1 घंटा हो गया मैं आए हुए, अभी यहाँ से निकलते हैं आगे अगली डेस्टिनेशन के लिए, तो अब मैं आपको सीधा वहीं पे मिलता हूँ। सफर में रहे खबर ना भाई साहब, सर सरफरंगा कोल्ड डिजर्ट पहुंच गए, और यहाँ पर आकर जो है मेरा पैराग्लाइडिंग वगैरह का मूड था, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कोई नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है पैरा मोटर, ये आप देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं, ये पैरा मोटर हो रही है, और ये इतनी इंतहाई महंगी है, इतनी महंगी है बहुत ज़्यादा, ये देखें जी ये है पैरा मोटर, ये चीज़ है, और इसके जो है 8,000 रुपये ले रहे हैं, 8,000 भाई इतना महंगा मैंने नहीं करना, और सिर्फ 5 मिनट की इसकी राइड है टोटली, सिर्फ 5 मिनट की, 5 मिनट के लिए 8,000 रुपये मैं नहीं देने वाला हूँ, और बाकी सफर में रहे खबर ना रही, मैं मुखलिस तेरा तू डरना मत, दुनिया जब पूछे मुकरना मत, कर सबसे जुदा और ले चल कहीं। फिलहाल तो हमारे पास ये एक क्वाड बाइक का ऑप्शन था जो मेरे मतलब का था, ये मेरे को समझ आ रहा था, अभी क्वाड बाइक का हमने टिकट शिकट पकड़ लिया है, अभी जाते हैं इसकी राइड लेके आते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा था।
दे रही है, लेकिन जितने पैसे लिए हैं उस हिसाब से मजे की नहीं है। पैसों के हिसाब से बहुत महंगी है। इनका 100 रुपये का भी हम लोगों ने पेट्रोल नहीं चलाया और 2000 रुपये इन्होंने लिए। और आगे जीप वगैरह के लिए मेरे को जो है हमारे ग्रुप मेम्बर्स पूछ रहे हैं, तो मैं तो नहीं जाने वाला भाई, इतने पैसे मैं नहीं ज़ाया कर रहा। ये तो बस मैंने कहा अब इतनी दूर आ गए तो कुछ करके ही जाते हैं, तो इसलिए बस भाई साहब ट्रिप पे गाड़ी फुल कल्टी मार रही है। ट्रिप का आपके भाई को शौक है तो इसलिए थोड़ी सी ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और जो है ट्रिप पे गाड़ी कल्टी हो रही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो है गिर रहा हूँ इसके ऊपर से। कोई खास मजा नहीं आ रहा है यार इसमें, बस ये एक ये सही है। अगर ये 500 रुपये भी लेते तो 500 रुपये तो सही है यार, 5 मिनट देते हैं ये लोग टोटल। और जो है 2000 रुपये चार्ज कर रहे तो भाई मेरे हिसाब से तो ये तो 2000 में तो बेकार है एकदम। मेरा टाइम जो है एंड हो चुका है, लेकिन जो है मैं जिससे मैंने गाड़ी ली है मैं उसके पास नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने 2000 रुपये दिए और थोड़ा सा तो यार वसूल करने ना, वो मेरे को रोक रहा है, आवाज़ें दे रहा है, लेकिन मैं उसके करीब ही नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मतलब भाई 2000 रुपये दिए, मज़े तो अच्छे से लेने दो। मतलब मेरा टाइम वगैरह पूरा हो गया, 5 मिनट का टाइम था, 5 मिनट पूरे हो गए, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा रहा। मैं दूर दूर घूम रहा हूँ और इसमें जब तक वो मुझे खुद नहीं आगे पकड़ लेता तब तक मैं उसके पास नहीं जाने वाला भाई। मैं तो पूरे पैसे करके जाऊँगा चाचे, खुद लगा दिया मेरे को 500 रुपये की राइड नहीं है, 2000 रुपये ले लिए तो भाई मैंने तो ऐसे नहीं देनी। टाइम पूरा करके जाऊँगा मैं, ऐसे नहीं जाने वाला मैं। वो मेरे को आवाज़ें दे रहा है, ओ नहीं अभी नहीं दे रहा, भाई को गया वो ये हमारे बंदे सारे भाई। मेरा तो जो है टाइम शाइम पूरा हो गया, लेकिन मैंने ऐसे नहीं जाना है, ऐसे मैंने नहीं जाना है। बस जो है टाइम और पेट्रोल और पैसा पूरा करके जाना है अपना। ये सारे बुला रहे, नहीं वो मुझे पकड़ लेगा, वो मैं नहीं आ रहा अभी। वो देखो मेरे को आवाज़ें दे रहा था, मैं उसको फिर इग्नोर करके आ गया हूँ। अभी मैं चलता हूँ, देखना मेरे को किस तरह भागते हुए रोकेगा। बस आप चेक करना वो येलो कपड़े वाला, येलो शर्ट वाला मेरे को किस तरह रोकेगा भी आप लोगों ने देखना है। ये देखो ये कैसे भागते हुए सामने ही आ गया है। लगा रहे हो चाचे? लगा रहा हूँ चाचे। ट्रिप ट्रिप नहीं मारी यार, ऐसे नहीं करो यार, ट्रिप तो मारने दो। अब फिर भाग गया चाचा के पास से, चाचा को धोखा दे के फिर भाग गया मैं। चाचे मैं नहीं आने वाला, हाथ की आसानी से भाई। और बाइकर्स आ रहे हैं, उन लोगों का भी ख्याल करते हुए चलना उन लोगों ने। और यार अब मेरे ख्याल से बस ऐसा रहो कोई नाराज वगैरह हो जाए वो और कोई बात चात करे, तो इसलिए बस अब ये फिर से चाचा ने पकड़ लिया। यार आपने मेरे को डोनट शोनट नहीं मारने दिए? गलत बात है चाचा, ना आपने कोई ड्रिफ्ट मारने दिए ना कोई डोनट मारने दिए। कितना टाइम हुआ दिखाओ? 10 मिनट और 5 मिनट का टाइम था, कितना 10 का ही था। अरे यार 45 सेकंड ऊपर हुए हैं चाचा, दिखाओ जरा 55 सेकंड। एक डोनट बना ले दो, सिर्फ एक डोनट। गया फिर भाग गया, फिर भाग गया। भाई लिटरली मैं सच बताऊं तो मेरे को राइड करने में इतना मज़ा नहीं आया। राइड भी मज़े की थी लेकिन इतनी मज़े की नहीं थी जितनी एक्सपेक्ट की थी। और लेकिन जो है लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया वो चाचा को तंग करने में आया। वो मेरे को बेचारा कब से आवाज़ें दे रहा था, मैं भाग रहा था इसके पास से, उसके करीब लाता था, गाड़ी पार्किंग के पास लेके जाता था, वो समझता मैं लगा रहा हूँ और अचानक से फिर से टर्न मार के भाग जाता था। तो इस तरह इसको मैंने 3-4 दफ़ा किए, कैमरा जो है मेरे से पकड़े नहीं जा रहा था, क्योंकि जो है ना यार बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी और बहुत जो है ना ये आपको पता है ये डेजर्ट है, मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो खुद ब खुद जो है ना हैंडल जो है खुद ब खुद हिल रहा था, बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था एक हाथ से। तो इस वजह से ऐसे जो है ना थोड़े बहुत जो है ना एंगल भी मेरा थोड़ा सा ख़राब आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो उसके लिए मैं अभी से आपसे सॉरी कहता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा ये जगह ऐसी। और दूसरी बात एक वजह ये भी है कि मैं को इतना प्रो नहीं हुआ भी, नया नया व्लॉग्स में आया हूँ, आप लोग की सपोर्ट रही, आप लोगों ने प्यार दिखाया अपना, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया, तो भाई आपके भाई का हौसला बढ़ेगा और फिर जो है ना इंशाल्लाह फिर तो ये तो जो है ना
अभी तो मैं 2000 लगाते हुए भी सोच रहा था, फिर इंशाल्लाह 20000 लगाते हुए भी नहीं सोचेंगे। अभी ये जो हमने ये मिस किया है अपना पैरामोटर वगैरह, ये जो हमने जो कुछ भी अभी मिस किया है ना, ये भी इंशाल्लाह नहीं मिस करेंगे। और इसके अलावा ये जो राइड थी ना 2000 रुपये में, तो भाई मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो है 2000 रुपये में बहुत महंगी है, इतने मज़े की नहीं है जितने ये पैसे ले रहे हैं। यार मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा, बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है। जैसे मैं आपको अभी मना करके भी मैं खुद भी राइड करके आया हूँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, लेकिन चाचा को तंग करने में बड़ा मज़ा आया। जो बात है, चाचा को तंग करने में बड़ा मज़ा आया। तो भाई यहाँ पर जो कुछ भी था यही था, अब जो है बस निकलेंगे डायरेक्ट होटल के लिए, और मैं आपको जो है ना जाके होटल पे ही मिलता हूँ डायरेक्ट सीधा। हाँ तो भाई यार होटल वगैरह पहुँच गए, तो फ्रेश फ्रेश हो गए, अभी जा रहे नीचे डाइनिंग हॉल में और वहाँ पर खाना वगैरह खाना है। अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते क्या खाना है और कैसा खाना है, जाके वहीं पर पता चलेगा, जाके चेक करते टेस्ट करते क्या है क्या नहीं। नाश्ता तो आप लोगों ने देख लिया था कैसा था, बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। भाई खाना वगैरह हमारा आ चुका है, आज खाने में है हमारे पास चिकन कढ़ाई, और टेस्ट वगैरह इसको करते हैं इसमें क्या है। वो ये परसों वाले से तो बेहतर है, जो परसों में होटल में मिला था उस वाले से तो बेहतर है, लेकिन स्पाइसी वैसा नहीं है जैसा नॉर्मली हम लोग खाते हैं, वैसा स्पाइसी नहीं है, लेकिन परसों वाले से बहुत बेहतर है। तो भाई अभी खाना वगैरह खाते हैं फिर मिलते हैं उसके बाद। तो भाई खाना वगैरह खा के हम लोग फारिग हो गए थे, अभी जो है रूम में आ गया हूँ मैं, और अभी जो है बस एडिटिंग वगैरह करनी है, वो करते हैं ताकि आपको हाथी हाथ ब्लॉग मिलते रहें। तो भाई इस व्लॉग को करो मैं यहीं पर एंड, और लाइक सब्सक्राइब करके तिशा मतीन ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल फिर, अल्लाह हाफिज़।